अभी अभी 2 दिन पहले मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आया। उनको लगा कि ये क्या हो गया। मुझे बताओ भाई, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिक बनाने का बिल, और घुसपैठियों को बाद में निकल आ जाएगा। मुझे बताओ, 1970 साल से जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? चिंता मत करो राहुल बाबा को, जो है तोबा करनी है करने दो। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय कर लिया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल गलत रात से कल रात 12 बजे से कानून बन चुका है। मित्रों बन चुका है। मित्रों, इन लोगों को हर एक बात में वोट बैंक दिखाई पड़ती है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो आप करते थे, इसलिए ट्रिपल तलाक नहीं लगाते थे, इसलिए राम मंदिर रोकना चाहते थे, इसलिए धारा 370 नहीं हटाते थे, इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाते थे। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, विकास के काम भी करे हैं और हम देश को सुरक्षित भी करेंगे, सुरक्षित भी करेंगे। मुझे बताओ माताओं बहनों भाइयों युवाओं, मुझे बताओ, झारखंड के अंदर कमल फूल की सरकार बनाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, बनाओगे? हमारे प्रत्याशियों, हमारे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? रघुवर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? देश को सुरक्षित करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बींचो और मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।